तमाम पत्रकारों का मैं स्वागत करता हूं और मैंने गृह मंत्रालय में श्री अमित शाह जी से मांग करी है कि जम्मू कश्मीर के हमारे जो बहादुर पत्रकार हैं उन पत्रकारों को उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से वृद्ध पत्रकारों को 60 साल से ऊपर के पत्रकारों को एक पेंशन योजना सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है कि उन्हें एक विशेष पैकेज के तहत उन्हें पेंशन दी जाए, इसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो बहादुर पत्रकार हैं सीमाओं पर जाकर के खतरनाक इलाकों में जाकर के पत्रकारिता को अंजाम दे रहे हैं, ये स्कीम जम्मू कश्मीर के पत्रकारों को भी दी जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार हैं उनको इस प्रकार की पेंशन योजना का लाभ मिलेगा तो आने वाले समय में जो नौजवान आज के पत्रकार हैं कल आने वाले समय में उन्हें इस चीज का लाभ मिलेगा। और साथ ही जो पत्रकार हैं दूरदराज इलाकों में पत्रकारिता कर रहे हैं, देखा गया है हमारे जम्मू कश्मीर में उन पत्रकारों को सरकारी आवास के लिए भटकाया जा रहा है। तो माननीय गवर्नर साहब, जो मान्यता पत्रकार हैं, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, देशभक्त पत्रकार हैं, उनको दर दर की ठोकरें ना खाने दें, उनको आवास दिया जाए सरकारी, कश्मीर वैली में हो या जम्मू के अंदर हो। और साथ ही जो हमारे देश की बहादुर सुपियान के अंदर बहन तनुश्री जो एसएसपी हैं, उन्होंने एक साहसिक कार्य किया है, खूंखार आतंकवादियों को बहादुरी और साहस का परिचय देते हुए मौत का घाट उतारा है। उनको सरकार से सिफारिश करता हूं कि उन्हें शौर्य चक्र कीर्ति चक्र देकर के सम्मानित करें। ऐसा करने से मातृशक्ति का जो सम्मान है वो देश में गौरव बढ़ेगा और ऐसी बहादुर बहन बेटियों को जो प्रशासनिक सेवाओं में रह करके ऐसे बहादुर कार्य कर रहे हैं उनका गौरव बढ़ेगा। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं केंद्रीय गृह मंत्री जी से आप लोगों के माध्यम से कि प्रशासनिक सेवाओं में कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो हुर्रियत और पाकिस्तान के एजेंटों को बढ़ा रहे हैं, वो लोग प्रशासनिक अधिकारी या तो आतंकवादियों के रिश्तेदार हैं या हुर्रियत वालों के रिश्तेदार हैं, उसकी जांच होनी चाहिए, उन्हें प्रशासनिक सेवाओं से बेदखल करना चाहिए जैसा कि पिछले दिन हुआ है, और इसकी जांच हो कौन कौन प्रशासनिक अधिकारी हुर्रियत वालों का रिश्तेदार और आतंकवादियों का रिश्तेदार बेटा बेटी है। जय श्री राम, जय हिंद।